रेलवे सुरक्षा बल ने साहिबगंज ने जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से 14.50 लाख नगद, लगभग 3 किलो चांदी के दाने के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति बरामद सामान के साथ भागलपुर से कोलकाता के लिए ट्रेन में सवार हुआ था, जिसे साहिबगंज रेलवे सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने बताया कि शुक्रवार की रात लगभग 10:30 बजे गुप्त सूचना मिली कि भागलपुर से एक व्यक्ति बड़ी राशि एवं चांदी के आभूषण के साथ 03072 डाउन जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ है, जो ट्रेन के एयर कंडीशन बोगी B1 बर्थ नंबर 32 में जा रहा है। इस सूचना पर रेलवे सुरक्षा बल साहिबगंज के निरीक्षक नरेंद्र सिंह ने एक टीम का गठन किया, जिसमें RPF पोस्ट के पदाधिकारियों एवं महिला कांस्टेबल के साथ ट्रेन के साहिबगंज आते ही सर्च ऑपरेशन चलाया। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास से 14.50 लाख नगर चांदी के दाने, जिसका वजन लगभग 2 किलो 870 ग्राम एवं चांदी के आभूषण लगभग 0.5 किलो बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति ने बताया कि वो जब्त सामान अपने बहनोई अमित गुप्ता को देने जा रहा था, जो कोलकाता में नलिनी सेठ रोड बड़ा बाजार स्थित AK ज्वेलर्स के नाम से अपनी दुकान से सोने चांदी का कारोबार करता है। पकड़े गए व्यक्ति ने किसी प्रकार का कोई वैध कागज नहीं दिखाया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना धनबाद के आयकर अधिकारियों को दी है। आयकर अधिकारी कानूनी कार्रवाई के लिए शीघ्र साहिबगंज पहुंचने का आश्वासन दिया है। गिरफ्तार